आदरणीय सभापति जी, देश देख रहा है झूठ फैलाने वालों की सत्य सुनने की ताकत भी नहीं होती। माननीय सदस्यगण, अत्यंत दर्दनाक, पीड़ादायक एवं मर्यादित आचरण से देखकर मैं हूं। शासन तीसरे निरंतर लगातार काल में है, 6 दशक के बाद। मैंने चर्चा की और मैंने अनुरोध किया कि प्रतिपक्ष के नेता को बिना बेरोक टोक बोलने का सुअवसर दिया। आज वो सदन छोड़कर नहीं गए हैं, मर्यादा छोड़कर गए हैं। आज उन्होंने मुझे पीठ नहीं दिखाई है, भारत के संविधान को पीठ दिखाई है। आज उन्होंने मेरा अनादर और आपका अनादर नहीं किया है, उस शपथ का अनादर किया है जो संविधान के तहत ली है। भारत के संविधान की इससे बड़ी अपमानित बात नहीं हो सकती। ऐसा कैसे हो सकता है, हाउस ऑफ एल्डर्स, द अपर हाउस, हमें देश का मार्गदर्शन करना है, मैं उनके आचरण की भर्त्सना करता हूं। देश के 140 करोड़ लोग इसे हाथ होंगे। सदन का मतलब है सत्ता पक्ष की बात सुनो, जब आपने अपनी पूरी बात कह दी। माननीय सदस्यगण, आप सब जानते हैं कल देर रात तक चर्चा रखी गई, हर सदस्य को मौका दिया गया। इट इज एन ओकेजन वेयर दे हैव चैलेंज्ड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दे हैव आउटरेज्ड द स्पिरिट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दे हैव डिसरिगार्डेड द ऑथ दे हैव अंडरटेकन। मैं इस कुर्सी पर बैठकर इतना दुखी हूं कि भारत के संविधान का इतना बड़ा अपमान, इतना बड़ा मजाक। भारत का संविधान हाथ में रखने की किताब नहीं है, जीने की किताब है। मैं आशा करता हूं कि वो आत्मचिंतन करेंगे, मंथन करेंगे, अपने दिल को टटोलेंगे और कर्तव्य पर आएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी,